जय जोहार संगवारी हो, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार के चैनल में, जिसका नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है उसको एक एक करके बताऊंगा। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं आज की जो ताज़ा 20 बड़ी खबरें हैं, महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं वो। तो दोस्तों, आज की जो 20 बड़ी खबरें निकल कर सामने आई है उनमें कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें ऐसी हैं जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो महामारी का विस्फोट है वो एक बार फिर से सामने आया है, जहाँ पर सभी आंकड़ों को रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक और नया रिकॉर्ड बन गया है। दोस्तों, इसी के साथ जो अगली न्यूज़ है उस पर आपको बताते चलेंगे कि जो लॉकडाउन के संबंधित न्यूज़ आई है, साथ ही साथ पूर्व शराबबंदी को लेकर भी खबर आई है और लॉकडाउन को अन्य जिलों में भी बढ़ाने की खबर आई है। इधर लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो कालाबाजारी हो रही है तो उसके खिलाफ भी बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो वहीं गोबर खरीदी को लेकर जो भुगतान किया जाना है उसके बारे में भी खबर निकल कर सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने भी कुछ बड़ी घोषणाएँ की है तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए, आज की जो पहली बड़ी खबर है उसके बारे में आपको बताते चलें। दोस्तों, आपको बता दें कि आज की जो पहली बड़ी खबर है वो है, एक दिन में रिकॉर्ड 268 नए मामले जो है वो सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। तो वहीं अब जो है महामारी का आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 6000 को पार कर चुका है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अकेले रायपुर में 88 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दुर्ग से भी 28 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि सुकमा से 36, कांकेर जिले से 15, जांजगीर चांपा से 13, मुंगेली से 11, रायगढ़ व बीजापुर से 9, बिलासपुर से 7, जबकि गरियाबंद बस्तर से 6 केसेस सामने आए हैं। तो वहीं नारायणपुर से 5, बेमेतरा महासमुंद से 3, बालोद राजनांदगांव व कोंडागांव से 2 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा सरगुजा व जसपुर से भी 1 मरीज मिले हैं। वहीं देर रात 7 मरीज मिले थे, जबकि 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मरीजों की संख्या फिलहाल इस प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके साथ ही जो टोटल मरीजों की संख्या है तो उनका आंकड़ा जो है 6008 हो चुका है फिलहाल अभी। तो वहीं इनमें एक्टिव केसों की संख्या यानी कि जिनका इलाज चल रहा है उसकी संख्या फिलहाल अभी 1740 बताई जा रही है। वही दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां आपको बता दें कि दुर्ग बिलासपुर समेत 6 जिलों में लॉकडाउन तो आखिरकार लागू हो चुका है। तो ऐसे में रायपुर में जो लोग हैं उनकी मनमानी दिख रही है, तो ऐसे में जो रायपुर पुलिस है वो भी कम दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, आपको बता दी चले कि जहां जहां पर लॉकडाउन हुआ है वहां पर बिल्कुल सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। तो ऐसे में प्रदेश के हॉटस्पॉट बने रायपुर में जनता ही समझने को तैयार नहीं है, जबकि शाम ढलते ही कई इलाकों में युवाओं की जो है अड्डेबाजी वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बिलासपुर में भी ऐसे भीड़ जो है उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग जो है ध्वस्त हो रही है और दुर्ग में सुबह पुलिस का मार्च हुआ, जबकि प्रदेश में अब जो है 14 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाना है या फिर लग चुका है। दोस्तों, आपको बता दें चले कि महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के फिलहाल अभी 14 जिलों को लॉकडाउन करा दिया गया है, जबकि दुर्ग, बिलासपुर और दंतेवाड़ा सहित 6 जिलों में भी गुरुवार से लॉकडाउन हो गया है। इससे पहले बुधवार से रायपुर समेत सरगुजा, रायगढ़ के सारंगढ़ और बलौदा बाजार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब चीज बंद कराया जा चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी कह चुके हैं कि लॉकडाउन से यह महामारी नहीं रुकने वाली है। वही दोस्तों, इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि आबकारी विभाग से खबर आई है, जहां पर CM भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। जबकि CM भूपेश बघेल ने BJP नेता और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भेजी गई राखी और CM से मांगे उपहार के जवाब में ये वादा दिया गया है। फिलहाल दोस्तों, आपको बता दी चले कि CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी जो है दी है सभी लोगों को, जबकि ट्वीट में लिखा गया था कि जो ट्वीट है वो हम आपको भी खाते चले। दोस्तों, CM भूपेश बघेल जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि बहन सरोज पांडे जी, आपका भाई भूपेश आपसे वादा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर जो है वादा आपका जो है पूरा कर रहेंगे, साथ ही साथ हम सबकी जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा कि लिखा है आप सभी देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि साथ ही आपका आभार इसलिए है कि आपने आज जो है पुनः जो है प्रदेश के सामने ला दिया कि आपके भाई डॉक्टर रमन सिंह ने 15 सालों तक आपके वादे को तोड़ा, आपकी बात नहीं मानी। ऐसा फिलहाल ट्विटर के माध्यम से यह खेल जो है वो चल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ जो है एक और अगली बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक और जो है पूर्ण शराबबंदी को लेकर खबर आ रही है, जहां पर पूर्ण शराबबंदी को लागू करने को लेकर जो CM भूपेश हैं वो वादा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर एक बड़ी खबर आई है, जहां पर आबकारी विभाग जो है अब करेगा शराब की होम डिलीवरी। तो आप ही बताइए कि ऐसे में अब कैसे होगा आखिरकार पूर्ण शराबबंदी। दोस्तों, आपको बताते चले कि 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क के साथ आपके घर तक पहुँचाया जाएगा शराब, जबकि महामारी
बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 21 जुलाई की मध्य रात्रि से 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बिरगांव और रायपुर नगर निगम क्षेत्र को पूर्णतः सील करने का आदेश दिया है। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं ही संचालित रहेंगी। अब तक का ये सबसे सख्त लॉकडाउन होगा, जबकि इस बार फल सब्जी दूध और दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जबकि अब जो है शराब की होम डिलीवरी के नई खबर है वो सामने आई है, जहां पर लॉकडाउन में रायपुर नगर निगम और बिरगांव नगर निगम के भीतर संचालित होने वाली जो शराब की दुकानें हैं वो 7 दिन तक बंद रहे। तो ऐसे में आबकारी विभाग अब जो है शराब की होम डिलीवरी करेगा। इसके एवज में जो है निर्धारित कीमत से 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क जो है जो भी कस्टमर है उनसे वसूला जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर गोबर विक्रेताओं को उनका पहला पेमेंट 5 अगस्त को मिलने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 दिनों के अंदर भुगतान करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जबकि बैंक खाते में सीधे इसकी ऑनलाइन जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को उनकी जो पेमेंट है वो 15 दिनों के भीतर यानी कि 5 अगस्त को मिलने वाली है। ये तो अच्छी खबर फिलहाल निकल कर सामने आई है कि 5 अगस्त को उनका पेमेंट आखिरकार मिल जाएगा। आखिरकार कितना पेमेंट मिलेगा देखने को बनता है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि इधर जो है लॉकडाउन की घोषणा हुई और बाजार में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए। वहीं जांच के बाद इसके खिलाफ जो है यानी कि काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों आपको बता दी चले कि महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन ने 23 से 31 जुलाई तक शहर की सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यानी कि ये जो खबर आई है वो बिलासपुर से आई है, जहां पर इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है बढ़ गए हैं। इस मामले को लेकर कारोबारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हालांकि जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं के विक्रय को इसको लेकर जो है रियायत दे रखी है, जबकि थोक बाजार से लेकर खुदरा बाजार में सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 10 से लेकर 25 रुपए की दाम में वृद्धि हो गई है। ऐसे में आम आदमी को एक और रोना निकल कर सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी बाजार में भी सब्जियों के दामों में लगातार तेजी दिखाई दे रही है, जिसमें टमाटर जो है 60 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है, जबकि प्याज जो है 20 से 25 रुपए किलो बताया जा रहा है। इसी के साथ आलू जो है 40 से 50 रुपए किलो के अंतर्गत जो है बिकने लगा है। तो ये जो रेट का इजाफा है वो लॉकडाउन के बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में जो है अस्पताल जो है पैक हो चुके हैं। तो ऐसे में लालपुर का जो अस्पताल था वो खुलना था, लेकिन 2 संक्रमित मिलने की वजह से 5 दिन और जो है बंद रहने वाला है ये अस्पताल। जी हां, महामारी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण अब नतीजे जो है इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जबकि प्रदेश में महामारी मरीजों के सबसे ज़्यादा बेड राजधानी रायपुर के अस्पतालों में है, लेकिन यहाँ के बड़े अंबेडकर अस्पताल और एम्स मरीजों से लगभग पैक हो चुके हैं। तो ऐसे में माना कोविड अस्पताल जो है 2 दिन से खुला हुआ है और वहाँ बमुश्किल दर्जन भर बेड ही खाली रह गए हैं। जबकि तकरीबन 2 माह से बंद लालपुर अस्पताल जो है बुधवार को खुलना था, लेकिन सुबह इस अस्पताल से लगी लैब के 2 कर्मचारी जो है वो संक्रमित पाए गए थे। तो इस कारण से अस्पताल को नहीं खोला गया है। हालांकि अफसरों का दावा है कि लैब में जो है जो भी मरीज मिले हैं तो उनके निकलने से अस्पताल खुलने से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में अब जो ये अस्पताल है वो आखिरकार इस समय कितनी तेजी से खुलेगा ये देखने लायक होगा। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा कि लॉकडाउन को महामारी का हल बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की मांग थी इसीलिए लॉकडाउन किया गया। ऐसा बड़ा बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के द्वारा। तो वहीं उन्होंने कहा कि 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है यह लॉकडाउन। जी हाँ, एक बड़ी खबर आई है, जहां पर जो महामारी के संक्रमण के लिए जो लॉकडाउन किया गया था, तो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि जो लॉकडाउन है वो लोगों के जो मांग है उनको देखकर किया गया है। तो ऐसे में अब जो लॉकडाउन है वो 7 दिनों तक के लिए और भी एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया जा सकता है। TS सिंहदेव ने आगे बताते हुए कहा कि आगे की स्थिति क्या होगी उसका आंकलन किया जाएगा और इसके बाद ही लॉकडाउन को 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें चले कि विभिन्न जिलों में यानी कि 14 जिलों में फिलहाल अभी तक के लिए लॉकडाउन लगाया जा चुका है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर की ओर रुख करें, जहां पर इस महामारी काल में डॉक्टर्स, नर्स व सफाई कर्मी यानी कि महामारी योद्धाओं को लेकर बड़ी खबर आई है, जहां पर इनकी भर्ती संबंधी कुछ खबरें निकल कर सामने आई हैं। दोस्तों आपको बता दें चले कि टोटल जो है यहां पर 47
40 पदों पर भर्ती के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 31 जुलाई को 11:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक किया जाएगा। तो अगर आप भी इन पर इंटरेस्टेड हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि उनके कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है स्टाफ नर्स के 20 पदों पर जबकि लैब अटेंडेंट के 1 पदों पर, लैब टेक्नीशियन के 20 पद जबकि स्वच्छता कर्मी के 6 पदों पर भर्ती की जानी है। जबकि 27 जुलाई की सुबह 10 से 12 बजे तक सभी पदों के लिए पंजीयन किया जाना है और दावा आपत्ति का प्रकाशन एवं निराकरण 30 जुलाई को अपराह्न 4:30 बजे तक आयोजित किया जा चुकेगा। तो ये तो थी हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके लिए कुछ रोजगार संबंधी सूचना। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर मैं आपको बता रही कि छत्तीसगढ़ और गुजरात की संस्कृति होगी ऑनलाइन साझा। जी हाँ, एक बड़ी खबर आई है जहां पर एक भारत श्रेष्ठ योजना यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस बार महामारी संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ और गुजरात की संस्कृति ऑनलाइन साझा की जाएगी। जहां पर पहली बार ऑनलाइन होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां छत्तीसगढ़ के युवा नेहरू मंच यानी कि नेहरू युवा मंच ने शुरू कर दी है। बताया जाता है कि कार्यक्रम जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा और नवंबर तक चलेगा, जबकि इसमें दोनों राज्यों की संस्कृति रहन सहन आदि को 6 भागों में बांटकर इसके लिए प्रदर्शन जो है किया जाएगा। प्रदर्शन से तात्पर्य यह नहीं दोस्तों कि जो प्रोटेस्ट है वो नहीं, यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जाएगा उनकी संस्कृति, अपने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा ऑनलाइन तरीके से। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहाँ पर 29 साल बाद सम सप्तक और त्रियोग के संयोग में बहनें सजाएंगी भाइयों की कलाइयों पर राखी। जी हाँ, यानी कि राखी को लेकर एक बड़ी खबर आई है जहाँ पर इस साल जो है रक्षाबंधन जो है 3 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन सम सप्तक संयोग और जो है त्रियोग का संयोग बन रहा है। ऐसे में ज्योतिषियों का है कि 3 अगस्त को पूर्णिमा में सूर्य शनि और सप्तक योग यानी कि प्रीति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, जबकि सोमवती पूर्णिमा, श्रवण नक्षत्र, उत्तरासन नक्षत्र और आखिरी सावन सोमवार का एक साथ पड़ना इस पर्व के जो महत्वपूर्ण है यानी कि इस पर्व के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे में यह संयोग जो है 29 साल पहले सन 1991 में बना हुआ था। तो ये एक बड़ी खबर आई है रक्षाबंधन को लेकर। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर मलेरिया मुक्त बस्तर के लिए बरसाती नालों को पैदल पार कर घोर नक्सलियाई के क्षेत्रों में ऐसे पहुंच रही है टीमें, यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य टीमें हैं वो इस प्रकार से पहुंच रही है। तो ये एक उनके लिए काबिले तारीफ जो है एक आप बोल सकते हो योजना है, तो इनके लिए जो है सल्यूट तो बनता ही है हमारे जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए। दोस्तों आपको बताते चले कि कभी मीलों पैदल चले तो कभी ट्रैक्टर पर बैठे, वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों में गिरे तो कहीं धूल में कपड़े सने तो कहीं बारिश में पूरी तरह भीगे, लेकिन गीले कपड़ों में ही पहुंच गए सुकमा जिले के सुदूर अंचलों में। जी हां, अक्सर शरीर के ताप से ही कपड़े सूख जाते हैं। कभी कभी गीले कपड़ों में ही पूरे गांव की मलेरिया जांच करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को जो सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुँचाया है। तो ऐसे में खंड चिकित्सा अधिकारी कोटा डॉक्टर कपिल देव कश्यप के नेतृत्व में सुकमा जिले के सुदूर अंचलों में घोर नक्सल प्रभावित तिमापुरम, मोरपल्ली जैसे गाँवों में घर घर जाकर मलेरिया की दवाई और उनकी जांच करते अपने जो है जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है वो दिख रहे हैं। तो इनकी जो काम है वो काबिले तारीफ है, इनके लिए एक सल्यूट बनता है। दोस्तों इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर आई है जहां पर रमन सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां पर सियासी खबर है कि 4 लाख का गोबर खरीदा कहा गया है भूपेश सरकार को और विज्ञापन में खर्च कर दिए गए करोड़ों। जी हाँ, गोधन न्याय योजना पर रमन सिंह का तंज कसा है जहां पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके गोधन न्याय योजना पर निशाना साधा है। जहां पर रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री का अविश्वसनीय, अकल्पनीय और आर्थिक प्रबंधन देखिए, ऐसा कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। तो वहीं उन्होंने कहा कि एक दिन में 2000 क्विंटल मतलब सिर्फ 4 लाख रुपए का गोबर खरीदा, लेकिन उसके विज्ञापन और प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। तो दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लिए ताकि छत्तीसगढ़ की सबसे पहले न्यूज़ आप ही के माध्यम से इस चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों अगली वीडियो मिलेगी, तब तक धन्यवाद। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।